देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के शिव पार्वती एवं सभी 22 मंदिरों पर से पंचशूल को उतारा गया विधि विधान से पूजा करने के बाद पुनः लगाया जाएगा। देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले बाबा बैद्यनाथ और माँ पार्वती के मंदिर से पंचशूल को उतारा गया साल में एक बार होता है, इसलिए पंचशूल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ती है। सभी 22 मंदिरों से पंचशूल को उतारकर विधि विधान से पूजा किया जाता है। उसके बाद शिवरात्रि से एक दिन पहले सभी 22 मंदिरों पर पंचशूल को लगाया जाता है। शिव और पार्वती मंदिर से पंचशूल को शिवरात्रि के दो दिन पहले उतारा जाता है और गठबंधन सूत्र शिवरात्रि के दिन बंधा जाता है। शिवरात्रि को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है और 3000 अतिरिक्त पुलिस बल की इंतजाम किया गया है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और VIP श्रद्धालुओं का भी आगमन होता। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि रूट लाइन को पहले ही सैनिटाइजर किया जा चुका है और स्लॉट बुकिंग के माध्यम से पूजा करने की व्यवस्था होगी और शीघ्र दर्शन कूपन एक दिन पहले से ही उपलब्ध किया गया है। आज शिव पार्वती का मंदिर जो पंच शूल नीचे उतारा गया और कल विधि विधान के माध्यम से इसका पूजा करते हुए फिर सभी मंदिरों के ऊपर इनको प्रतिष्ठापन किया जाएगा और इस साल महाशिवरात्रि के 1 मार्च को जो शुरू होगा उसके लिए हम लोगों ने पक्का इंतजाम किया। खासकर सब अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी मंगवाया गया है और मैजिस्ट्रेट्स को भी सभी जगह हम लोग डिप्यूट किया है और बहुत पहले से हम लोग जिला प्रशासन सभी विभाग से समन्वय करते हुए हैं, स्वास्थ्य का हो या स्वच्छता का हो, शौचालय का और बिजली का, हर तरह का हम लोगों ने पहले ही सारा प्रिपरेशन कर चुके हैं और कंप्लीट रूट लाइन भी जो है सैनिटाइज्ड है और वहाँ किसी तरह का भी कोई भीड़ का समस्या नहीं हो और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो और उसको हम लोगों ने विशेष ध्यान में रखे हैं और हम लोग लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद कर रहे हैं। तो उन सभी लोग आएंगे और जलार्पण सुगमता से करते हुए अपने वापस चले जाएंगे। सर शीघ्र दर्शन का जगह बदला गया? शीघ्र दर्शन जो कूपन जो करती है, इस बार हम लोगों ने यहाँ जो नाथवाड़ी मंदिर जो है बगल में वहाँ 6 काउंटर्स उधर हम लोगों ने लगाए हैं और वहाँ से जो है लोग ले सकते हैं और इस बार महाशिवरात्रि के लिए हम लोग शीघ्र दर्शन एक दिन पूर्व भी देना शुरू कर रहे हैं ताकि जिनको भी पहले ही पता है कि अगले दिन कितने लोग आने वाले हैं और उसके टाइम स्लॉट के मुताबिक वो लोग अपना कूपन पहले भी ले सकते हैं ताकि महाशिवरात्रि के दिन उनको दिक्कत नहीं हो। स्लॉट वाइज होगा सर? इस बार हम लोग सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक 2-2 घंटा का स्लॉट बनाए हैं ताकि अचानक एक स्लॉट में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो, ताकि 6 बजे से लोग आना शुरू हो जाए। ये 3 प्रकृति है, पहला जो हमारी मंदिर ड्यूटी है जिसमें बाह्य बल हमें पर्याप्त संख्या में मिले हैं और दूसरा दिनांक 28 और 1 को काफ़ी महानुभाव आ रहे हैं, इसलिए VIP सिक्योरिटी के लिए भी हमारे इंतजाम किए गए और मंदिर रूट लाइनिंग ये सारी सुरक्षा कर ली गई हैं। 28 तारीख से ड्यूटी प्रारंभ हो जाएगी, कल ब्रीफिंग भी है। टोटल कितने बल आए? टोटल कितने बल की प्रतिनियुक्ति है? टोटल बल की प्रतिनियुक्ति 3000 से अधिक। थैंक यू। बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक IIBF की परीक्षा पास नहीं की है तो आज ही संपर्क करें CSC अकेडमी मोहनपुर से, जिसका पता है तपोवन रोड अमेलवा, या लॉगिन करें www.krishnacomputeracademy.co.in।